तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो फर्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। इन शॉर्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर। मीन्स पहली लेयर, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट लेयर दिखाया गया है, ये ब्लू वाले फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेकेंड लेयर है ग्रीन वाली। तो जो सेकेंड लेयर के जो ये वॉइड है, इसको मैं टेट्राहेड्रल वॉइड बोलता हूँ। इन टेट्राहेड्रल वॉइड को जब कवर किया जाता है तो अगेन वही सेम रिपीट हो जाता है जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। देखो ए लेयर, फिर इसके वॉइड को कवर कर रहा है बी लेयर, और बी लेयर के वॉइड को कवर कर रहा है ए लेयर। तो ए और ए, इन दोनों का अरेंजमेंट सेम है, बीच में बी है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं मैग्नीशियम एंड जिंक। सेकेंड हमारे पास है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो सेकेंड लेयर होती है उसके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनको कवर करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करेंगे तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ये अरेंजमेंट ए है तो इसके वॉइड को कवर किया सेकेंड लेयर बनाए सी, और सी के जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको मैंने कवर कर लिया तो बनी बी। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज फॉर्म ए बी सी, ए बी सी अरेंजमेंट, ए बी सी फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे कॉपर और सिल्वर। नेक्स्ट व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस। तो क्रिस्टल लेटिस यहाँ पर एक ये डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये बॉक्स है, तो इसमें ये जो क्यूब है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो दिस इज क्रिस्टल लेटिस, मीन्स द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। केमिस्ट्री में हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है 3D में, ये देखिए ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दिखा रहा है, ये दिस वन दिस वन दिस वन। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लेटिस। नेक्स्ट आता है यूनिट सेल। इसमें से स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द कम्प्लीट स्ट्रक्चर। मीन्स इसमें देखिए ये क्यूब जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें बहुत सारे क्यूब है। अगर मैं देखूँ तो यूनिट सेल क्या है, यहाँ पर क्यूब है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। ए वॉइड सराउंडेड बाय फोर स्फीयर ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और इसके ऊपर मैंने ये फोर्थ एटम रख दिया। तो इसमें जो बीच में जो स्फीयर, बीच में जो वेकेंट स्पेस बन रहा है, होल बन रहा है, उसका शेप अगर मैं इन चारों को कॉर्नर को मिला दूँ 1, 2, 3, 4 तो मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। और दिस शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। तो ये जो वॉइड है, ये जो खाली स्पेस है, ये किस टाइप का होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखिए आप, ए वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर अलोंग द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल। देखिए ये नीचे के ब्लू वाले स्फीयर देखिए 1, 2, 3 और इसको मैंने कवर किया है रेड वाले स्फीयर से 1, 2, 3। तो ये 3 ऊपर वाले हो गए, ये 3 नीचे वाले हो गए। तो इनके कॉर्नर को अगर मैं मिलाता हूँ तो कुछ इस टाइप से स्फीयर बनते हैं, स्पेस बनता है। और ये बीच में जो स्पेस है, दिस शेप इज ऑक्टाहेड्रल और दिस वॉइड इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड।